दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्सियो को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सियो में, मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर जियो का सिम, अगर आपके पास है, आप अगर जियो का सिम यूज़ करते हो और जियो का सिम अगर यूज़ करने के बाद आप अगर ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरह से आप जियो का सिम ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर बात की जाए तो आईफोन की कुछ डिवाइस है, उसके बाद में गूगल पिक्सेल डिवाइस है, तो ये ई सिम कार्ड सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस तरह से आप ये जियो का ई सिम जो है एक्टिवेट कर सकते हो, इसके लिए कौन सी प्रोसेस करनी होगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बात किया जाए तो फर्स्ट थिंग तो आपको आईफोन जो है, आईफोन का एक्स और एक्स आर जो डिवाइस है उसके साथ में गूगल पिक्सेल 3 और गूगल पिक्सेल 3 एक्सएल जो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस ई सिम कार्ड सपोर्ट करते, तो आप ई सिम कार्ड लेना चाहते तो आपको यहाँ पर आईफोन में दो सिम कार्ड अगर आप यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर ई सिम कार्ड यूज़ करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर एयरटेल का भी ई सिम कार्ड आता है, तो एयरटेल का भी जो ई सिम कार्ड का प्रोसेस है एक्टिवेशन का, ये मैं वो आप घर बैठे कर सकते हो, बट जियो का जो एक्टिवेशन है ई सिम कार्ड का तो वो आपको घर बैठे नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नियर जो जियो स्टोर है उसमें जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको एक्टिवेट होगा। बट यहाँ पर एयरटेल की बात की जाए तो किस तरह से एक्टिवेट करना ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पर एयरटेल का जो ई सिम कार्ड है उसके एक्टिवेशन प्रोसेस अगर देखा जाए तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आपका जो डिवाइस होगा उसको लेके जाना है और नियरेस्ट जियो स्टोर में, उसके साथ में आपको क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड और उसके बाद में आपका आईफोन का जो डिवाइस है उसका जो बॉक्स रहेगा वो आपको साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ई आई डी एक कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो कोड होगा आईफोन के बॉक्स के ऊपर होता है, तो यहाँ पर आप फोटो भी निकाल के ले सकते हो, यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर ई आई डी कोड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आधार कार्ड, आपका आईफोन का बॉक्स और आपका डिवाइस लगेगा। तो यहाँ पर वहाँ पर जो जियो स्टोर है वहाँ पर जाने के बाद आपको 10 मिनट का प्रोसेस है, 10 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद 2 आवर्स लगते हैं, 2 आवर्स के बाद में आपका ये सिम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर 2 आवर्स क्यों लगते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए तो जैसे वो प्रोसेस होगी ई सिम कार्ड की तो तुरंत वो ऑन होता है, बट एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर ये 2 आवर्स लगते हैं, 2 आवर्स में आपका फिजिकल सिम कार्ड जो होगा कंप्लीटली बंद हो जाएगा और आपका ई सिम कार्ड जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, बस आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड, आपके आईफोन को आईफोन डिवाइस का जो बॉक्स होगा वो बॉक्स और आपका आईफोन लगेगा, तो ये प्रोसेस होने के बाद 2 आवर्स में आपका ये ई सिम कार्ड जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अगर आईफोन में अगर 2 सिम कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ये ई सिम कार्ड से ये 2 सिम यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो जियो का ई सिम कार्ड एक्टिवेशन प्रोसेस होगा इस तरीके से आप कर सकते हो नियरेस्ट जियो स्टोर में जाके, और जो एयरटेल का ई सिम एक्टिवेशन प्रोसेस रहेगा वो किस तरह से रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो था, इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।